हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल मैथ्स रास्ता जो आज हमारा टॉपिक है वो है सर्कल इसके लिए मैंने पर्टिकुलरली फ़िगर और उनके नामों के साथ उनको लिख दिया है जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक सेंटर है सर्कल का जिसे मैंने डॉट से रिप्रेजेंट किया है देन आ जाते हैं रेडियस पर रेडियस क्या होता है ये एक स्ट्रेट लाइन रहती है जो सेंटर ऑफ द सर्कल से स्टार्ट होते हुए सर्कल के पॉइंट पर स्ट्रेट अवे टच करती है जिसे कि हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं ये रेडियस ऑफ द सर्कल होता है देन डायमीटर डायमीटर जो रहता है वो सर्कल के सेंटर से होता हुआ जाता है मतलब सर्कल के एक पॉइंट से स्टार्ट होके okay, जो स्ट्रेट लाइन सेंटर से होते हुए सर्कल के नेक्स्ट पॉइंट पर टच करती है जो एक स्ट्रेट लाइन रहती है उसे हम डायमीटर बोलते हैं और उसे डी से रिप्रेजेंट करते हैं देन इसके बाद बात करते हैं कॉर्ड की कॉर्ड जो होता है वो एक्चुअली डायमीटर जो रहता है वो सबसे लॉन्गेस्ट कोर्ड ऑफ द सर्कल रहता है सर्कल ये एक पॉइंट से स्टार्ट होकर सर्कल के नेक्स्ट पॉइंट पर टच होने वाली एक स्ट्रेट लाइन को हम कॉर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं उसे हम कॉर्ड बोलते हैं डायमीटर जो होता है वो सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल होता है देन हम आर्क की बात करते हैं सर्कल का जो सर्कम होता है यानी आउटर बाउंड्री होता है उसका एक जो पार्ट रहता है उसे हम आर्क से रिप्रेजेंट करते हैं या उसे हम आर्क बोलते हैं जिसमें आप देख सकते हैं फिगर में देन टेंजेंट की बात करते हैं टेंजेंट जो होता है वो सर्कल के सर्कम से टच होती हुई एक स्ट्रेट लाइन होती है वो सर्कल को बाहर से टच करते हुए निकलती है सर्कम ऑफ द सर्कल सर्कल की जो आउटर बाउंड्री होती है उसे हम नाम देते हैं सर्कम ऑफ द सर्कल इसमें आप फिगर में देख सकते हैं देन आ जाते हैं आर्क पर तो आर्क जो रहता है वो दो नाम से यहाँ पर मैंने बताया है जो स्मॉलर सेक्शन रहता है सर्कल के सर्कम का उसे बोलते हैं माइनर आर्क और जो रिमेनिंग पोर्शन रहता है जो मैक्सिमम सर्कम में माना जाता है वो है मेजर आर्क आप देख सकते हैं ये मेजर आर्क है अभी तक हमने सर्कल के सर्कम की बात की अब हम देख रहे हैं मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल मतलब ये एरिया से रिलेटेड होता है सर्कल के इनर पार्ट को हम जो डिस करते हैं उसको हम बोलते हैं मेजर या माइनर सेगमेंट ये जो शेडेड पोर्शन है एरिया से रिलेटेड है इसको बोलते हैं मेजर सेगमेंट क्योंकि सर्कल का बहुत मैक्सिमम पोर्शन इसने कवर कर लिया देन जो इंटरनल स्पेस जितनी भी होती है उसे हम एरिया से रिप्रेजेंट करते हैं या उसे हम एरिया बोलते हैं ये सर्कम फ्रेंस जो आउटर बाउंड्री है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये इंटरनल स्पेस है जिसे हम एरिया बोलते हैं अब जो इस फिगर में आप देख रहे हैं जिसे कि हम सेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं या सेक्टर बोलते हैं ये एक शेडेड पोर्शन है जैसे कि फॉर एग्जांपल जब आप केक कट करते हैं उसमें जो पीस आप निकालते हैं वो सेक्टर के रूप में ही आप निकालते हैं उसे हम सेक्टर बोल सकते हैं जैसे फिगर में आप देख सकते हैं देन आ जाते हैं माइनर सेगमेंट पे, इसने बहुत ही कम पोर्शन सर्कल का कवर किया है दैट इज आल्सो रिलेटेड टू द एरिया मतलब इनर पोर्शन की बात कर रहे हैं देन आ जाते हैं सेकंड की जो ये रहता है ये एक लाइन रहती है जो सर्कल के अंदर से पास होती हुई जाती है जैसे कि हमने टेंजेंट देखा था वो सर्कल पे टच होता है बट सेकेंड वैसा रहता है जो सर्कल के अंदर से जाता है देन फिर क्वाड्रेंट की बात करते हैं अगर सर्कल को सर्कल के एरिया को इनर एरिया को फोर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो जो वन फोर्थ पोर्शन रहता है उसे हम क्वाड्रेंट बोलते हैं तो ये एक पार्ट है जिसे हम क्वाड्रेंट से रिप्रजेंट करते हैं जो आप देख रहे हैं सर्कल के सेंटर से होती हुई जो स्ट्रेट लाइन है शेडेड पोर्शन है सर्कल को बिल्कुल हाफ डिवाइड करता है इसे हम बोलते हैं सेमी सर्कल जो शेडेड पोर्शन आप देख रहे हैं एरिया जो भी इसमें कवर्ड है वो सेमी सर्कल कहलाता है तो जैसे आपको समझ में आया होगा पार्ट्स ऑफ अ सर्कल इसमें जो जितने भी मेजर पार्ट्स थे वो मैंने इस वीडियो में रिप्रेजेंट करें हैं आपको बताए हैं और समझाए हैं अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है और समझ में आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को सपोर्ट करिए मेरे वर्क को आज के लिए बस इतना ही ब बाय टेक केयर